आवाज आ रही है बच्चों, चेक करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक बार चेक करें सब बच्चे, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन वाई फाई स्टडी बाय एन अकेडमी। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना जबरदस्त सेशन। सुबह के बज चुके हैं 8 बजे सुबह हम लगाते हैं द हिंदू एडिटोरियल क्लास। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जिसके एग्जाम में इंग्लिश आती है। प्यारे बच्चों यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों सारी की सारी वकैब आपको यहीं से फंस जाएगी। इसके अलावा जो रीडिंग वाला पार्ट होता है आरसी क्लोज टेस्ट पैरा जंबल्स पीक्यूआरएस वो सब भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो 8 बजे सुबह लगाते रहिए इस क्लास को प्यारे बच्चों रेगुलर वाईफाई स्टडी पर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 10 बजे दोस्तों वाईफाई स्टूडियो चैनल पर, वाईफाई स्टडी स्टूडियो जो चैनल है उस पर ग्रामर विद कॉन्फिडेंस करते रहिए। यानी ग्रामर को विद कॉन्फिडेंस विदाउट एनी रेक्टिफिकेशन विदाउट एनी रूल नंबर सीखिए। प्रेपोजिशन टॉपिक वहां पर चल रहा है। अच्छा उसके बाद 2 बजे दोबारा से वाईफाई स्टडी पर, अब की बार सीजीएल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा तो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन पेपर्स लगाते रहिए। विच मींस कि सुबह 8 बजे आप वोकैब करिए और रीडिंग करिए, 10 बजे ग्रामर कर लीजिए और दिन में 2 बजे प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, मॉक टेस्ट लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए। इस तरीके से आप सब कुछ कवर हो जाएगा अगर आप ये तीनों क्लासेस डेली लगाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आपको जबरदस्त कंटेंट मिलेगा दोस्तों। 12-15 और 3-15 पर आज भी क्लास वहां पर लगी हुई है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इंग्लिश बाय रवि सिंह _unacademy। आपको सिर्फ टेलीग्राम पर लिखना है इंग्लिश बाय रवि सिंह और बस सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे बच्चों सारी क्लासेस की पीडीएफ लिंक्स आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। लेट्स क्रैक एसएससी मिशन एसएससी विद अनअकैडमी। प्यारे बच्चों टॉप क्लास एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, स्पेशल क्लासेस, लाइव पोल्स, थर्सडे कार्निवल, सारी चीजें आपको मिल रही हैं, है ना। तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक और बढ़िया चीज आ गई है। अब जिनके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उनको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। इससे पहले उनको प्लस और आइकॉनिक दोनों को सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलते थे, लेकिन अब हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों को। बाकी जो फीचर्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये एडिशनल फीचर और ऐड कर दिया दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे नए बैचेस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। लाइव क्लास में डाउट सॉल्विंग में प्रायोरिटी मिलती है, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, रेटिंग देते रहिए, रेज द हैंड अकेडमी प्लस वाले बच्चे इस फीचर से, लाइव क्लास में टीचर से डायरेक्ट बात करते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, आस्क अ डाउट। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो बच्चे 3 डाउट तक अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप पर एक बार में पोस्ट कर सकते हैं। टेस्टाथन अनलिमिटेड एक्सेस है टेस्ट सीरीज के लिए दोस्तों। ये वाला क्यूआर कोड आपको स्कैन करना पड़ेगा। धमाकेदार ऑफर आ गया प्यारे बच्चों, 30% तक का ऑफ मिल रहा है प्यारे बच्चों, प्लस पर भी आइकॉनिक पर भी। और ये 22 अगस्त से 26 अगस्त तक, यानी 26 अगस्त तक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ये बंद हो जाएगा ऑफर। तो फायदा उठाएं प्यारे बच्चों किसी भी, ये देखिए ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जब आप आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। किसी भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट के लिए, इस वाले ऑफर के लिए ये वाला कोड याद रखो, RAVI01, RAVI01 कोड लगा देना प्यारे बच्चों, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलना है। चले शुरू करें। सब बच्चे आ गए, पेन कॉपी ले लेना, नोट करना, बहुत ही जबरदस्त झकास वर्ड्स करेंगे हम लोग आज। आज का विचार देखते हैं क्या कह रहा है।
थॉट ऑफ द डे, लीडर्स स्पेंड 5% ऑफ दियर टाइम, लीडर्स स्पेंड 5% ऑफ दियर टाइम ऑन द प्रॉब्लम, 5% समय जो है वो परेशानी पर लगाते हैं, एंड 95% ऑफ दियर टाइम ऑन द सॉल्यूशन, 95% अपना समय सॉल्यूशन पर लगाते हैं, गेट ओवर इट, जो भी परेशानी है आपकी, एंड क्रश इट, खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमें प्रॉब्लम पर नहीं सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। आइए देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है, देखिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस वर्ड को दोस्तों, सब बच्चे, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एवरीबडी, सब बच्चे, ये स्पेलिंग में भी वर्ड आता है प्यारे बच्चों, इसका सही प्रोनंसिएशन है अपर्टेनेंस, बोलेंगे तो सीखेंगे, अपर्टेनेंस, जैसे मेंटेनेंस होता है वैसे ही है अपर्टेनेंस, बोलने में। अपर्टेनेंस का क्या मतलब है? अपर्टेनेंस का मतलब है एक्स्ट्रा एसेसरीज अवेलेबल और गिवन विद एनी डिवाइस, कोई चीज जब आप खरीदते हैं उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा एसेसरीज आपको मिलती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेलीविजन खरीदा, उसके साथ में दुनिया भर की चीजें आपको और दी गई है ना, तो उन जो एक्स्ट्रा एसेसरीज को है उसको बोलते हैं अपर्टेनेंस, ठीक है। स्पेलिंग लिख लेना वर्ड, स्पेलिंग भी कई बार पेपर में आई है इस वर्ड की। सो एक्स्ट्रा एसेसरीज अवेलेबल विद एनी डिवाइस, विद एनी गैजेट, विद एनी थिंग, दैट इज कॉल्ड अपर्टेनेंस। देखिए एसेसरीज लिखा हुआ है, सप्लीमेंट है, पैरा पर फर्नेलिया, यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह आएगा, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, पैरा फर्नेलिया, फिक्सिंग, कॉम्पोनेंट, फिक्सिंग है, कॉम्पोनेंट है, पैरा फर्नेलिया है, एसेसरीज है ना, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एसेसरीज, सप्लीमेंट, पैरा फर्नेलिया, फिक्सिंग, कॉम्पोनेंट, अपर्टेनेंस, एक्स्ट्रा एसेसरीज गिवन और अवेलेबल विद एनी डिवाइस, एनी थिंग, एनी गैजेट इज कॉल्ड अपर्टेनेंस। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई परचेज द स्मार्ट टीवी, खरीदा उसने, एंड गॉट अ रेंज ऑफ अपर्टेनेंस, दुनिया भर का एसेसरीज उसके साथ में उसको मिला स्मार्ट टीवी के साथ में, है ना, ये केबल, वो केबल, HDMI, क्लियर, सब बच्चे नोट कर रहे हैं, डन, सब बच्चे, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बढ़िया है, फंसेगा वर्ड यहां से, द वेरी नेक्स्ट वर्ड हाउ टू प्रोनाउंस एवरीबॉडी, सब बच्चे, कैसे बोलेंगे दोस्तों इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी। इंग्लिश में अगर कोई वर्ड ITY से खत्म हो रहा है तो वो सारे वर्ड नाउन है, किसी चीज का नाम है, ITY से खत्म होने वाले दोस्तों सारे वर्ड्स नाउन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी मींस रुझान होना, कोई नेचुरल लाइकिंग होना, कोई चीज जिसकी तरफ आपका झुकाव होना, आपकी पसंद होना, ठीक है। तो प्रोक्लिविटी रुझान हिंदी में बोल रहा है, अ नेचुरल इंक्लिनेशन, झुकाव होना उस तरफ, बार बार वो काम करना, और लाइकिंग इंक्लिनेशन, फैंटास्टिक वर्ड, पेंचेंट, बेंट, ये वर्ड आजकल पेपर में कई बार आ रहा है, कई बार पूछा जा चुका है, रैपो, एमिटी, अकॉर्ड, हार्मनी, प्रोपेंसिटी, प्री डिस्पोजिशन, प्री डायलेक्शन, फॉन्डनेस, टेंडेंसी, ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
नोट कर लेंगे बच्चे, स्किप नहीं करना है। सो प्रोक्लिविटी का मतलब है अ नेचुरल इंक्लिनेशन और लाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ झुकाव होना, रुझान होना, पसंद होना, लाइकिंग, इंक्लिनेशन, पेंचेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोक्लिविटी, बेंट, रैपो, एमिटी, अकॉर्ड, हार्मनी, प्रोपेंसिटी, प्रीडिस्पोजिशन, प्रीडायलेक्शन वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे वर्ड्स नोट करेंगे सब बच्चे। फॉन्डनेस और टेंडेंसी, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग भाई रितेश। सो क्या कह रहा है, हिज प्रोक्लिविटी फॉर कुकिंग की तरफ जो उसका रुझान था, जो उसका झुकाव था, मेड हिम अ गुड शेफ। सो उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कुकिंग ने बना दिया उसको एक बढ़िया शेफ, ठीक है ना। चले आगे, चलिए नेक्स्ट वन पढ़ें, कैसे बोलेंगे इसको, सारे वर्ड उसके सिनोनिम है बच्चे, बाकी जो सिनोनिम लिखे हैं, सिनोनिम क्या मतलब क्या होता है, सिमिलर, नेम, समानार्थी वर्ड, ठीक है। एनग्रॉस, ध्यान खींचना, टू पुल अटेंशन और फोकस, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना, किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेना, इज कॉल्ड एनग्रॉस, ये एक वर्ब है, ठीक है। सो टू पुल अटेंशन और फोकस ऑफ समबडी इज कॉल्ड एनग्रॉस, एब्जॉर्ब करना, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है फैसिनेट, कैप्टिवेट, ल्योर, अल्योर, एंटाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवेट, ग्रिप करना, होल्ड करना, मैस्मराइज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मैस्मराइज, अच्छा वर्ड है, बिल्कुल हो जाएगा, नेस्ट करना, टेम्प्ट करना, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। किसी को आकर्षित करना, किसी को फंसाना, लुभाना, चारा डालना, सेड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत बढ़िया लक्ष्मी। एंशेंट यहां पर आ जाएगा, एंशेंट वर्ब होती है। सो ल्योर करना, अल्योर करना, एंटाइस करना, रिवेट करना, अट्रैक्ट करना, फैसिनेट करना, कैप्टिवेट करना, ट्रैप करना, ट्रैप भी लिख लेंगे, फंसाना, लुभाना किसी को, है ना। ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जॉट डाउन ऑल दीज वर्ड्स, एक भी स्किप नहीं करना दोस्तों, पक्का सारे वर्ड्स आपको इसी वाली सुबह वाली क्लास से फंसेंगे, सब बच्चे नोट कर लें। सो एंशेंट, मैस्मराइज, नेस्ट, टेम्प्ट, सेड्यूस, रिवेट, एंटाइस, अल्योर, ल्योर, कैप्टिवेट, फैसिनेट, लिख रहे हैं सब बच्चे। सभी बच्चे सेशन को भी लाइक कर दिया करें भाई, सब बच्चे सेशन को भी लाइक कर दिया करें। होपफुली देखिए एग्जांपल देखिए, दिस प्लास्टिक टॉय विल एनग्रोस, होपफुली दिस प्लास्टिक टॉय विल एनग्रोस द क्राइंग बेबी फॉर अ वाइल, उसका ध्यान व्यान खींचेगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त झकास वर्ड्स हैं, चलते हैं अगले वाले पर, पढ़ें कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण क्या है इसका, कैसे बोलेंगे। शालू वेरी गुड बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इनडोमिटेबल, जिसको डोमिनेट नहीं कर सकते, जिसको जीता नहीं जा सकता, समवन दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट कैन नॉट बी वॉन, ऐसे भी हो सकता है, जिसको जीता नहीं जा सकता, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है। सो इनविंसिबल, अनकनकरेबल, कनकर का मतलब विजय प्राप्त कर लेना, कनकर वर्ब होती है,
अनबेरेबल, इनवल्नरेबल, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते उसको, इम्प्रेग्नेबल, अनयील्डिंग, सारे वर्ड्स लिख लें। तो द वर्ड इज इंडोमिटेबल। प्रणाम भाई रवि जी प्रणाम। तो इनडोमिटेबल, जो जीता ना जा सके, समथिंग दैट कांट बी डिफीटेड, समवन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। इनविंसिबल का मतलब अजेय होता है ना, जो हमेशा, जिसने कभी पराजय नहीं देखी। अनकंकरेबल, अनबेरेबल, इनवल्नरेबल, इम्प्रेग्नेबल, अनयील्डिंग। जॉट डाउन ऑल दीज वर्ड्स प्यारे बच्चों। क्या बात है संजीत, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दिया करें भाई, है ना, लाइक करना तो बनता है मेरे दोस्त। सो आफ्टर द टेररिस्ट अटैक द कंट्री स्टूड विद एन इनडोमिटेबल सेंस ऑफ यूनिटी, है ना। टेररिस्ट अटैक हुआ कंट्री पर, सबके सब एक हो गए, ठीक है। और कैसा सेंस ऑफ यूनिटी दिखाया, जिसको हिलाया नहीं जा सकता, जिसको मतलब सबके सब यूनाइटेड हो गए, इनडोमिटेबल हो गए। वेरी गुड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, देखिए क्या जबरदस्त वर्ड है, लिस्टलेस। ऐसे वर्ड्स अगर गलत हमने समझ लिए पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, तो मीनिंग ही चेंज कर देंगे, ठीक है। लिस्टलेस का मतलब है समथिंग, और सॉरी, समवन हु लैक्स विगर। विगर का मतलब होता है जोश, एंथुजियाज्म, यानी कि आलसी आदमी, आलसी, लेजी। सो लेजी, लेथार्जिक, एनर्वेटेड, इंडोलेंट, स्यूपाइन, ये लैकाडेसिकल वर्ड है, अभी मैं लिख दूंगा इसको। स्पाइनलेस, लैंग्विड, वेरी इंपॉर्टेंट। आइडल, लेजी, इनएक्टिव, लैकाडेसिकल, लिख लें, इंपॉर्टेंट वर्ड है सब बच्चे। तो जो आलसी है बिल्कुल, लेजी है, लेथार्जिक है, इंडोलेंट है, स्यूपाइन है, स्पाइनलेस, लैंग्विड, आइडल, इनएक्टिव, इंडिफरेंट, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिफरेंट। अनविलिंग, किसी चीज का मन नहीं है, पड़े रहे। लिखे सब वर्ड्स, लिखे प्यारे बच्चों, पक्का इसी में से वर्ड्स आपको फंसेंगे एग्जाम, चाहे आप कोई भी दे रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम, कोई भी, बैंकिंग का, टीचिंग का, डिफेंस का, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। क्या बात है तिवारी जी, बहुत बढ़िया। सो लिस्टलेस, समवन हु लैक्स विगर, जिसके अंदर जोश नहीं है, लेजी है, लेथार्जिक है, एनर्वेटेड है, इंडोलेंट है, स्यूपाइन है, स्पाइनलेस, लैंग्विड, आइडल, इनएक्टिव, लैकाडेसिकल, इनडिफरेंट, अनविलिंग। लिख रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड। एक एक वर्ड नोट करना है भाई। चलिए, सो व्हाट इट सेज, आई वॉज लिस्टलेस, मतलब एक लिंक बना दिया याद करने के लिए, I was listless when my name was not in the list, ताकि वर्ड याद हो जाए। तो he was listless when his name was not in the list, याद कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। चलो अगले वाले पर चलें। चलो नेक्स्ट वन, कैसे प्रोनाउंस करेंगे प्यारे बच्चों, क्या बात है आयुष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चे। हुडविंक, हुडविंक, धोखाधड़ी करना,
किसी को धोखा देना, चालाकी करना, किसी के साथ धोखा करना, धोखा देना, हुडविंक, ठगी करना, टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन. सो डिसीव, मिसलीड, बिगाइल, डिल्यूड, डिफ्रॉड, बिल्क, ड्यूप, चिजल, चिजल करना, बिल्क करना, ड्यूप करना, बिगाइल करना, चीट करना, फ्रॉड करना, डिच करना, चीट करना, फ्रॉड करना, डिच करना, डिसीव करना, हुडविंक करना, स्विंडल लिख लीजिए, बहुत बढ़िया वर्ड है, आ रहा है आजकल पेपर में, स्विंडल करना, मिसलीड करना. बिल्कुल न्यू बैच चालू हो गया बच्चे. चिजल करना, बेफूल करना, बिगाइल करना, स्विंडल करना, लिखे सब बच्चे. तो धोखाधड़ी करना, किसी के साथ चालाकी करना, जो कि सबसे बुरी बात है. हुडविंक, टू डिसीव समवन, डिसीव, मिसलीड, बिगाइल, डिल्यूड, डिफ्रॉड, बिल्क, ड्यूप, चिजल, चीट, फ्रॉड, डिच, स्विंडल. जॉट डाउन ऑल दीज वर्ड्स प्यारे बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट है सब बच्चे. लिखा सब बच्चों ने, क्या कह रहा है? देखो, अब एक यहां पर लिंक बना दिया है, एक ऐसा ही नाम है रॉबिन हुड. सो रॉबिन हुड हुडविंक्ड द रिच, अमीर लोगों को ठगता था, एंड गेव अवे, और बांट देता था किसमें, टू द पुअर, गरीब लोगों को दे देता था. ठीक है, सो हुडविंक रॉबिन हुड. सो रॉबिन हुड हुडविंक द रिच एंड गेव अवे टू द पुअर. ठीक है, बहुत बढ़िया, नोटेड, क्या बात है. अभी जो पेपर होकर गया था सीएचएसएल का, इसके अलावा जो एमटीएस का, सारी वो क्या अब इसी में से फंसी थी. जितने भी बच्चों ने बताया कि सर सारे वर्ड्स फंस गए. ठीक है, इवन बहुत आसानी हो गई जब लास्ट के समय में मैंने आरसी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस लगातार 2 वीक कराई, 3 वीक, है ना, तो बहुत आसान हो गया फिर वो. चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. देखिए कैसे बोलेंगे. हैरी, हैरी एक वर्ब होता है जिसका मतलब टू अनॉय समवन, किसी को परेशान करना, गुस्सा दिलाना, परेशान करना, गुस्सा दिलाना. तो टीज करना, अनॉय करना, अपसेट करना, इर्क करना, ये राइल होगा वर्ड, राइल करना, रेस्प करना, एग्जास्परेट करना, बग करना. देखिए कितने वर्ड्स हैं, पेस्टर करना, बेजर करना, पीक करना, पीव करना, हरास करना, वैक्स करना, नेटल, नार्क, इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं. ठीक है, तो टू अनॉय समवन, अपसेट समवन, इर्क समवन, टीज, राइल, रेस्प, एग्जास्परेट, बग, पेस्टर, बेजर, पीक, पीव, हरास, एक एक वर्ड के लिए 15 वर्ड्स है. ठीक है भाई, तुम अपनी परेशानी को कॉपी पेस्ट मत करो, इसका आपको खुद को इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, है ना. आप बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिस्टम आपको ब्लॉक कर देगा. चलिए, सो परेशान करना, अनॉय करना, टीज करना, इर्क करना, राइल करना, रेस्प करना, एग्जास्परेट करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सारे वर्ड बार बार पेपर में आ रहे हैं. ठीक है, बेजर करना लिखेंगे सारे बच्चे.
किसी को परेशान करना, गुस्सा दिलाना है ना, ईव टीजिंग, पीव का मतलब चिढ़ाना होता है, पिविश का मतलब चिड़चिड़ा, पीव का मतलब चिढ़ाना, ठीक है। क्या कह रहा है, आई हैव बीन हैरीड बाय द प्रेस ऑल द मंथ, पूरे महीने पूरे मंथ मुझे प्रेस ने परेशान किया है, गुस्सा दिलाया है ना, तो परेशान करके रखा है प्रेस ने उसको, ठीक है। चलो लिख लिया सब बच्चों ने, नेक्स्ट वन पर चलें, सारे वर्ड्स लिख लेने, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है। देखिए क्या वर्ड है, कैसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, वेरी गुड शालू आयुष, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड फ्लमोक्स। ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पढ़ने में हमें लगता नहीं है कि ये एक वर्ब होगा, लेकिन ये एक वर्ब होता है, ठीक है। फ्लमोक्स का मतलब है टू कंफ्यूज अटरली, अटरली मतलब कंप्लीटली, किसी को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर देना, भौचक्का कर देना, सरप्राइज कर देना। तो ऐसे याद करेंगे, एडल मडल बीफडल, एडल मडल बीफडल बैफल, ये वर्ड बैफल है, बिम्यूज बिविल्डर बैम्बूजल फ्लस्टर, ये वर्ड आजकल घूम रहा है, परप्लेक्स करना, कंफ्यूज करना, सरप्राइज करना, अमेज करना, कंफ्यूज करना, सरप्राइज करना, अमेज करना, लिख लेंगे एस्टॉनिश करना, एस्टाउंड करना। तो जब आदमी पूरी तरीके से भौचक्का रह जाए, मालूम नहीं क्या चल रहा है, दिमाग में पकड़ में ही नहीं आ रहा क्या कंडीशन है, क्या हो रहा है, सो कंफ्यूज सरप्राइज अमेज एस्टॉनिश एस्टाउंड परप्लेक्स एडल मडल बीफडल बैफल बिम्यूज बिविल्डर बैम्बूजल फ्लस्टर फ्लबरगास्ट, लिख लो दोस्तों, 100% वोकैब यहीं से फंसेगी, चाहे आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग डिफेंस एसएससी, अगर आप रेगुलर क्लास लगाते हैं तो देखना 100% वोकैब यहीं से फंसेगी आपको। सारे वर्ड्स लिख लो प्यारे बच्चों, ठीक है, लिख रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड। सो वर्ड था फ्लमोक्स, जिसका मतलब किसी को कंफ्यूज करना, टू कंफ्यूज समवन कंप्लीटली फुली। आई फाउंड माइसेल्फ अटरली फ्लमोक्स्ड, देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है, आई फाउंड माइसेल्फ कंप्लीटली अटरली, वर्ड भी लिख लेना इंपॉर्टेंट, अटरली मीन्स कंप्लीटली फुली कंफ्यूज्ड व्हाइल रिप्लाइंग हिज सिली क्वेश्चन, सिली का मतलब फूलिश, उसके जो फुलिश क्वेश्चन थे उनका जवाब दे देकर आई वॉज कंप्लीटली कंफ्यूज फुली कंफ्यूज, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया, लिख लिए होंगे सब बच्चों ने। चले अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, पढ़ें कैसे कैसे बोलेंगे सब बच्चे, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, एवरीबडी बोलोगे तो सीखोगे। सब बच्चे सेशन को लाइक कर दिया करो दोस्तों, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दिया करो भाई, है ना, कैसे बोल रहे हैं वर्ड को, सो दिस वर्ड नीड टू बी प्रोनाउंस्ड एज कल्मिनेशन द हाईएस्ट पॉइंट, जिसको हम शिखर या चोटी भी कहते हैं, पर्वत चोटी, ठीक है, सबसे ऊंचे वाला स्तर, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, जिसको हिंदी में शिखर या चोटी बोलते हैं। सो पीक है, समिट है, जेनिथ है, पिनेकल है, पोजी है, एपेक्स है, सुप्रीम है, वर्टेक्स, एक्मे, दुनिया भर के वर्ड्स हैं और बार बार आप देख रहे होंगे ये वर्ड पेपर में घूमते हैं, सर माउंट पैरामाउंट सारे हो जाएंगे ये। शिखर चोटी सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सुप्रीम वर्टेक्स,
पिनेकल, एपोजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार घूम रहा है पेपर में, एपोजी, एक्मे, बहुत बढ़िया, कल्मिनेशन, द हाईएस्ट पॉइंट. हिज करियर इज एट द जेनिथ दीज डेज एट द एपोजी. कैरियर नहीं होता, ध्यान रखना, इट्स करियर. एक इंटरव्यू में एक पर्सन ने कहा कि आई वॉन्ट टू मेक माई कैरियर इन योर कंपनी. तो जो इंटरव्यूअर था उसने कहा, डू यू वॉन्ट टू मेक योर कैरियर करियर और डू यू वॉन्ट टू बी अ कैरियर. कैरियर साइकिल के पीछे लगा होता है, गुड्स कैरियर. सो दिस वर्ड इज करियर, ध्यान रखना, करियर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैरियर एंड करियर. सो पैरामाउंट, सरमाउंट, पीक, समिट, जेनिथ, पिनकल, लिख लिया सब बच्चों ने? डन एवरीबॉडी? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नैन्सी, लक्ष्मी, आयुष, शालू, फर्जिया, सलमा, वेरी गुड. सब बच्चे नोट कर लेंगे, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है. छोड़ोगे तो अपने साथ आप अपने आप को डिच कर रहे हो. द रिफॉर्म्स मार्क द सक्सेसफुल कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग कैंपेन. दुनिया भर के जो रिफॉर्म हुए, अब किसी भी गवर्नमेंट के लिए कह रहा है, कहां कब भी कह रहा है, तो फिर सक्सेसफुल कल्मिनेशन तक पहुंच गया कैंपेन, है ना. यानी उनका अच्छा खासा उनका फर्क पड़ा रिफॉर्म्स का, ठीक है. चलिए, द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास, हाउ टू प्रोनाउंस. एवरीबडी, अ पर्सन हु हैज लो एक्सपीरियंस, लो नॉलेज इज कॉल्ड फ्लेजलिंग, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेजलिंग. समवन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, जिसने अभी सीखना शुरू ही किया है, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है. नोविस, कैलो, टायरो, ग्रीन, ग्रीन हॉर्न, नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस, रूकी, सोफोमोर, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. बिल्कुल हो जाएगा, कैलो, टायरो, इनएक्सपीरियंस्ड लिख लें अगर वहां पर नहीं लिखे हैं, है ना. तो कैलो है, टायरो है, बिगिनर, लर्नर, स्टार्टर, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे. सोफोमोर, रूकी, ग्रीन, ग्रीन हॉर्न, बहुत आते हैं वर्ड पेपर में, सब वर्ड घूमते रहते हैं. बिल्कुल हो जाएगा, बिगिनर, लर्नर, स्टार्टर, ग्रीन हॉर्न, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ऋतिक, शालू, निधि. सो अ पर्सन विद लो एक्सपीरियंस इज कॉल्ड फ्लेजलिंग. नोविस, कैलो, टायरो, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन, इवन ग्रीन देख रहे हो, नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस्ड, रूकी, सोफोमोर, अच्छा वर्ड है सोफोमोर, फंसेगा पेपर में, ठीक है. तो दोस्तों क्या कह रहा है, ही इज स्टिल नॉट मोर देन अ फ्लेजलिंग इन हिज इन दिस ट्रिकी बिजनेस. अभी तक ये जो जटिल, कॉम्प्लेक्स, इंट्रीक बिजनेस है, इसमें अभी भी वो एक नौसिखिया है, उसे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है. सो ही इज स्टिल नॉट मोर देन अ फ्लेजलिंग इन दिस ट्रिकी बिजनेस. बहुत ज्यादा कुछ उसे आता जाता नहीं है, ठीक है. तो दोस्तों ये वकैब ही है जो किसी भी चीज को मुश्किल बना देते. सर पैसेज बहुत मुश्किल आया, सर क्लोस्टेस बहुत मुश्किल था. और ये वकैब ही है जो किसी भी चीज को आसान बना देती है, और ये वकैब ही है जो किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग बना देती है, आपका इंप्रेशन जमा देती है, ठीक है. द मोर वर्ड यू हैव, द मोर एज यू हैव, ठीक है, आपके करियर में, ठीक है, फायदा होता है आपको, इंप्रेशन आपका पड़ता है. टीयर थर्ड में ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग विदाउट वकैब कैसे करोगे? तो सुबह 8 बजे विदाउट एनी गैप
लगाते रहिए इस वाली क्लास को, इसके बाहर से वोकैब नहीं आएगी, आरसी क्लोस्टर्स पैराजंबल्स भी यही हो जाएंगे। अभी 10 बजे थोड़ी देर बाद वाईफाई स्टूडियो पर ग्रामर को विद कॉन्फिडेंस विदाउट अ सिंगल रूल लगाइए, और 2 बजे इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। बहुत बढ़िया आयुष, मे गॉड ब्लेस यू डियर। तो ये तीनों क्लासेस अगर आप डेली लगाते हैं, साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, रवि सिंह नाम से सर्च करके ऐसे वाला बंदा मुस्कुराता हुआ मिलेगा, है ना। आज 3:15 और 12:15 पर क्लास है वहां पर। ये टेलीग्राम चैनल है @englishbyravisingh, आप englishbyravisingh लिखकर सर्च करना टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। फायदा ये है कि आपको सारी क्लासेस के लिंक पीडीएफ समय पर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए फिर अभी इस सेशन में इतने रखते हैं। तो भाई इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहो, अच्छे से सीखो, मेहनत करो, कुछ बनकर दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, अपना, अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने गुरु का नाम रोशन करो। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं 10 बजे वाईफाई स्टूडियो पर। थैंक्स अ लॉट।